ये हम किसी को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप मेरा जिंदाबाद करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई ये शिव जी की बारात है, इसमें कोई को मुख हीन विपुल मुख का हो, कोई थोड़ा अच्छा भी है कोई थोड़ा खराब भी है, तो बड़ी पदाधिकारी मैं गरिमा जी को सुना रहा हूं। हम थोड़े ही किसी को सस्पेंडी स्विच कर, तो मैं कर रहा हूं ये कि नारी शक्ति के रूप में हम लोगों के पास विद्यमान है और बहुत यहाँ बेटियां हमारी और माताएं बैठी हुई हैं और बहुत तो सिपाही पुलिस फोर्स में भी बहुत हमारी नारी शक्ति आ गई है, तो गरिमा के लिए और जितनी भी बेटियां हैं जो फोर्स में आई हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी। ये सत्येंद्र जी इतना कविता पढ़ रहे थे कि हमको देख करके जोश आ गया, इसलिए मैंने कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी, ये घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दम के मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। हमारे फोर्स में महिला शक्तियां बहुत आ गई हैं, आपको इसलिए कह रहा हूं उनका सम्मान करना भी सीखिए। वो हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे घर की लड़कियां हैं, हम सब को उनकी इज्जत के सम्मान का, उनके स्वाभिमान का भी ध्यान रखना चाहिए। संजय जो भी ये मेरा मैसेज बिहार के सब बड़े अधिकारियों तक जाएगा, छोटी छोटी बात के लिए पेचो करना, छोटी छोटी बात के लिए सस्पेंड करना, गंभीर अनुशासनहीनता का कोई भी मामला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करे, कि हमारा सिपाही चोरी करे डकैती करे ये नहीं, लेकिन उसका बोना फाइड जायज गलती को माफ करे। हमने अपना टीम बना करके चार सिपाही को, हलदार को, दो थानेदार को बोल दिया जाओ इनकाउंटर करो, हमारा सिपाही गया, हलदार गया, थानेदार गया, क्रिमिनल के साथ इनकाउंटर हुआ, क्रिमिनल नहीं मर गया, मरा, लेकिन दो निर्दोष आदमी को गोली लग गई, तो दो आदमी को निर्दोष को गोली लग गई तो हमारे सिपाही पर और थानेदार पर मर्डर का केस होगा? कभी नहीं होगा, हम जब तक डीजीपी रहे ये नहीं होगा। उस पर हत्या का मुकदमा, क्योंकि उसने जान करके नहीं गोली मारी, वो इनकाउंटर करने गया था, वो अपराधी से गोली चला रहा था, उसकी गोली छिटक गई किसी निर्दोष को लग गई। तो जो जब तक इंटेंशनली कोई बहुत ज्यादा बड़ा अपराध न करे, क्योंकि ये आपके बाल, हम एक ही पिता की संतान है, इसलिए हम किसी जात के हों, किसी मजहब के हों, सब आपस में भाई भाई हैं, सब आपस में बराबर हैं। ये सियासी लोग हम लोगों को लड़ाने के लिए जात पात में बांटते हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, वर्दी की गरिमा को बनाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं बराबर कहता हूँ, फेसबुक पर बोलता हूँ, सिपाही भाइयों जागो, हवलदार भाइयों जागो, थानेदार भाइयों जागो, ऊपर के अधिकारियों जागो, और एक बार झमका करके अंगड़ाई लो और बिहार के अपराधियों को बता दो कि बिहार के पुलिस कर्मियों में क्या जान होती है।